हेलो एवरीवन, स्वीट एंड सॉल्टी रेसिपीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज पोहा और आलू के बहुत ही स्वादिष्ट पराठों की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। अगर नॉर्मल वही आलू के पराठे खाकर आप बोर हो गए हैं तो एक बार इस तरह से पोहा और आलू के पराठे बनाकर देखिएगा, आपको बहुत ही पसंद आएगी ये रेसिपी। पोहा आलू के पराठे बनाने के लिए एक कप पोहा लिया है, इसे हमें पहले धो लेना है, तो दो तीन बार हम इसे अच्छी तरह से धो लेंगे। पोहे को हमने दो तीन पानी से अच्छी तरह से धो लिया है। पोहा धोते समय ही सॉफ्ट होना शुरू हो जाता है, काफी सॉफ्ट हो गया है ये, और इसने थोड़ा सा पानी भी एब्जॉर्ब कर लिया है। एक्स्ट्रा पानी इसमें से हमने निकाल लिया है और इसे हम ढककर रख देंगे 10 मिनट के लिए, जिससे पोहा अच्छी तरह से फूल जाए। 10 मिनट हो गए हैं और पोहा देखिए फूलकर एकदम सॉफ्ट हो गया है। इसे हमें इस तरह से करते हुए मसलना है, जैसे हम डो बनाते हैं आटे के लिए, सॉरी पराठे के लिए आटे का, उसी तरह से इसे हमें इस तरह मसल लेना है। पोहे को हमने अच्छी तरह से मसल लिया है और ये देखिए बिल्कुल डो की तरह ये तैयार हो गया है। अब हम इसमें और चीजें मिलाएंगे। पोहे को हम बड़े बाउल में डाल लेंगे और इसी में कुछ और चीजें डालेंगे। ये दो बड़े साइज के आलू उबालकर और कद्दूकस कर लिए हैं मैंने, आप मैश भी कर सकते हैं। इस चीज का ध्यान रहे कि इसमें गुठलियां ना रहे, अच्छी तरह से मैश किए हुए आलू ही आप लें। तो दो बड़े साइज के आलू हैं, 1 इंच अदरक, 3 से 4 कली लहसुन और 2 हरी मिर्च को इस तरह से दरदरा कूट के ले लिया है। आप मिक्सी में पीस कर भी ले सकते हैं, लेकिन इस तरह से दरदरा कूट कर यूज करेंगे तो ज्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। और अगर आप लहसुन नहीं खाते तो सिर्फ मिर्च और अदरक को कूट कर ले लें। ये हम इसमें डाल देंगे, इससे इस पराठे का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। अब डालेंगे इसमें कुछ मसाले, तो हरी मिर्च भी डाली है, इस चीज का आप ध्यान रखें और मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से ही लें। तो ये 1/4 छोटा चम्मच मैं इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ, 1/4 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच भुना जीरा पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच चाट मसाला पाउडर, आप इसकी जगह आमचूर पाउडर का यूज भी कर सकते हैं। नमक डालेंगे स्वादानुसार और इसमें डालना है बारीक कटा हरा धनिया। हरा धनिया इसमें थोड़ा सा ज्यादा ही डलता है, जिससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। 3 से 4 टेबल स्पून के करीब ये बारीक कटा हरा धनिया है। और हम इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून के करीब गेहूं का आटा, क्योंकि अगर हम आलू और पोहा से सिर्फ पराठा बनाएंगे तो वो बेलते समय फट जाएगा, इसलिए हम इसमें बाइंडिंग के लिए 2 टेबल स्पून के करीब गेहूं का आटा डाल रहे हैं। अब इसे पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे सभी चीजों को, क्योंकि आलू में भी मॉइस्चर है, पोहे में भी मॉइस्चर है, तो पहले हम इसे ऐसे ही मिक्स करते हैं। सभी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और देखिए इसमें हमने पानी बिल्कुल नहीं डाला था, लेकिन सभी चीजें कितनी अच्छी तरह से मिक्स हो गई हैं। आलू में और जो पोहे में मॉइस्चर है उसकी वजह से ही इसमें हमें पानी नहीं डालना पड़ता। अब हम इसमें थोड़ा सा आटा और डालेंगे, तो आपने एक साथ आटा नहीं डालना है, नहीं तो आटा ज्यादा हो जाएगा और फिर वो टेस्ट नहीं आएगा, पोहे का आलू का वो टेस्ट नहीं आएगा। इसलिए आपने पहले 2 चम्मच डालना है, बाद में जरूरत अनुसार ही इसमें आटा डालकर इसका बढ़िया सा डो लगा लें, जैसे हम रोटी पराठे के लिए लगाते हैं। ये देखिए कुछ इस तरह का डो हमने लगा लिया है। अब हाथ में थोड़ा सा घी या ऑयल आप लगाएं, हाथ को चिकना कर लें और इस तरह से आटे को चिकना करते हुए इसे मसल लें थोड़ी देर और। आटे को थोड़ी देर के लिए हमने और मसल लिया और देखिए बिल्कुल चिकना डो इसका बनकर तैयार है, जैसा हमें रोटी या पराठे के लिए चाहिए होता है। अब हम इसके पराठे बनाना शुरू करते हैं। पराठे बेलने के लिए हाथ में थोड़ा सा सूखा आटा लगाएंगे और आटे में से एक बड़े नींबू के साइज का डो हम ले लेंगे। इस तरह से इसको हाथ में पेड़ी की तरह रोल करना है। सूखा आटा लगाएंगे, इस पराठे को बहुत पतला नहीं बनाना है। पहले हाथ से इस तरह से थोड़ा फैला लें और अब इसे हल्के हाथ से हम बेल लेंगे। हल्के हाथ से बेलें, इसमें हमने बहुत ज्यादा गेहूं का आटा यूज नहीं किया है,
मैंने 2 टेबलस्पून पहले डाला था और 2 टेबलस्पून बाद में डाला है, तो यानी टोटल 4 टेबलस्पून इसमें मैंने गेहूं का आटा डाला है। इसलिए ये बहुत हल्के हाथ से आपको बेलना पड़ेगा, नहीं तो ये टूट सकता है। अगर हम ज्यादा गेहूं का आटा डाल देंगे तो फिर पोहे और आलू का टेस्ट नहीं आ पाएगा। पराठे को हमने बेल लिया है और ये देखिए बहुत पतला नहीं रखा है और बहुत मोटा भी नहीं रखा है, इस तरह का कुछ। अब हम इसे सेक लेते हैं। तवा गरम कर लिया है, अब इस पर आराम से ये पराठा हम डाल देंगे। एक तरफ से हल्का सिकने देते हैं पहले। पराठा एक तरफ से हल्का सिक गया है, अब इसे पलट देंगे। अगर आपका पराठा तवे पर चिपक रहा है तो उसके लिए पहले आप तवे को घी लगाकर चिकना कर लें, घी या तेल, और उसके बाद ही इस पर पराठा डालें। मैं इस तवे पर ही सारे पराठे बनाती हूँ तो ये थोड़ा चिकना ही रहता है, इसलिए मैंने इस पर पहले घी नहीं लगाया है। अब इस साइड इस पर हम हल्का हल्का सा घी लगा लेंगे। घी लगाने के बाद इसे हम इस तरफ से भी पलट लेंगे। ये पराठे बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं तो जरा आपको ध्यान से इसको पलटना होगा। इस तरफ भी हम इस पर घी लगा लेंगे और दोनों तरफ से उलट पुलट कर इसे बढ़िया सा क्रिस्पी और इस तरह से हल्का हल्का इस पर ब्राउन चित्तियां आ जाएं, इस तरह का होने तक इसे हम सेक लेंगे। पराठा दोनों तरफ से बढ़िया सिक गया है, ये देखिए। इसे हम निकाल लेते हैं प्लेट में और इसी तरह बाकी के पराठे भी बना लेंगे। पोहा आलू के बहुत ही स्वादिष्ट पराठे बनकर तैयार हैं। ये पराठे बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं, ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट ये पराठे बनते हैं, और ये अगर थोड़ी देर तक रखे भी रहते हैं तब भी ये ऐसे ही सॉफ्ट बने रहेंगे, ये एकदम से हार्ड नहीं होते। और अगर आप चाहते हैं, जैसे कि ये पराठे जब हम बनाते हैं तो इसके जो किनारे आप देख रहे होंगे थोड़े फटे फटे बनते हैं, तो इसका कारण यही है कि ये पोहा और आलू के हैं। इसमें हमने गेहूं का आटा बिल्कुल नाम मात्र के लिए डाला है, बहुत कम यूज किया है गेहूं का आटा। लेकिन अगर आप चाहते हैं, जैसे गेहूं के आटे के पराठे बनते हैं जिसके किनारे एकदम स्मूथ होते हैं, चिकने होते हैं, तो आप इसमें गेहूं के आटे की मात्रा बढ़ाएं। तब आप इसमें 1/2 कप या 1/4 कप के करीब गेहूं का आटा मिक्स कर लें, तब बिल्कुल ये वैसे ही बनेंगे जैसे गेहूं के आटे के बनते हैं, लेकिन तब वो टेस्ट नहीं आ पाएगा जो कि आप इस तरह से बनाएंगे। इसमें गेहूं के आटे का टेस्ट बिल्कुल भी नहीं आएगा, आपको आलू और पोहे का टेस्ट ही आने वाला है। तो टेस्टी भी बहुत लगते हैं इस तरह से, और ऐसे देखने में भी बहुत बुरे नहीं लगते हैं, किनारे हल्के हल्के इसके इस तरह से थोड़े फटे फटे से रहते हैं, लेकिन इससे टेस्ट में कोई फर्क नहीं आता और सॉफ्ट बहुत होते हैं ये पराठे। एक बार इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, इसे आप दही के साथ, अपने मनपसंद अचार के साथ खाइए, इसका टेस्ट आप भूल नहीं पाएंगे। रेसिपी को एक बार ट्राई करें, और आज की ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।